Hello friends, welcome to the product science classes, and today we will discuss the remaining chapter of the fundamental of life. Cell chapter हम discuss कर रहे थे class 9th का biology portion, और इसमें मैंने आपको कई चीज़ें बता दी हैं. cell organelle के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है. cell के बारे में हमने पढ़ लिया था, nucleus के बारे में पढ़ लिया था और अब हम पढ़ेंगे cytoplasm के बारे में. साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक फ्लूड होता है जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन पढ़ी हमने और सेल वॉल पढ़ी, ठीक है. इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जो ऑर्गन्स, जितने भी इसके ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गॉल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, इन सबको क्या करता है, एक डिस्टेंस मेंटेन करा के रखता है और इनके बीच में जिससे कि आपस में लड़े ना और ना ही आपस में एक दूसरे के अगल बगल जाएं, ठीक है. तो ये क्या करता है, इसको एक तरह से इसमें टाई अप रखता है, इसमें स्टैंड देने के लिए ये जो लिक्विड होता है काम करता है, ठीक है. फ्लूड, इट इज़ अ फ्लूड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये फ्लूड भरा होता है हमारा, ठीक है. और सारे इसी के अंदर, मतलब जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं इसके बाहर ये फ्लूड पाया जाता है. अब हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसमें न्यूक्लियर रीजन एब्सेंट होता है. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करें तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था, प्रोकैरियोटिक होती हैं प्रिमिटिव सेल्स होती हैं जो हमें विदाउट माइक्रोस्कोप दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनको हम विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं. ये इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है. और सेल ऑर्गेनेल जिसमें बाउंड होते हैं, मतलब जो मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, वो भी नहीं पाई जाती है, ठीक है. ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियर रीजन एब्सेंट होता है और इसमें सेल मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, ओके. इसके बाद हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है जिसमें, जिसके चारों तरफ हमारे इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, ये सब पाए जाते हैं. ये सारी चीज़ें इस मेम्ब्रेन के अंदर बंद होती हैं, ठीक है. जैसे उस दिन मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि एक मैंने पॉलीथीन ले ली है, उसके अंदर बहुत सारे सामान रख लिए हैं, तो उन सामानों को, वो सामान जिस चीज़ के अंदर है वो क्या है, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है. तो मेम्ब्रेन है मतलब उसके चारों तरफ की कवरिंग है जिससे वो सामान क्या है, प्रोटेक्ट है, एक जगह इकट्ठा है, प्रोटेक्ट है, ठीक है. तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है. साइटोप्लाज्म से याद रखिए, ये फ्लूड होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है और इसी के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है. अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. ये क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? हमारा सेल जो होती है, हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं उनके अंदर ये पाया जाता है और ये इंटरनल स्केलेटल कहलाता है. इंटरनल स्केलेटल मतलब हो गया आंतरिक कंकाल कहलाता है, मतलब ये हमारी सेल को खड़ी करने में, स्टेबल रहने में, स्टैंड लेने में हेल्प करता है, ठीक है. जैसे हमारे घरों में पिलर्स लगे होते हैं ना, छत की बाउंड्री जो, मतलब वो सीलिंग होती है, उसको रोकने के लिए हम पिलर्स वगैरह लगवाते हैं, वैसे ही ये भी काम करता है पिलर की तरह, ठीक है. तो इसको हम इंटरनल स्केलेटन ऑफ सेल भी कहते हैं. सपोर्टर होता है हमारी सेल का, ये क्या होता है, सपोर्टर होता है. लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स लाइक पिलर ऑफ हाउस. ये कैसा होता है, लंबी ट्यूब्यूल लाइक होती हैं ये, ऐसी ऐसी होती हैं ये, ठीक है, लंबी ट्यूब्यूल्स लाइक होती हैं और राउंड होती हैं, या हम कह सकते हैं ये जो है हमारे घर के पिलर जैसे होते हैं वैसा ही दिखाई देता है. इसका मैं एक स्ट्रक्चर बताती हूँ आपको. जैसे ये मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये टू पार्ट्स के होते हैं, ये समझ में आ गया, सपोर्टर होते हैं, इंटरनल स्केलेटन होता है हमारे सेल का. इसके टू टाइप्स होते हैं, एक होता है स्मूथ होता है, इसे SER कहते हैं, और एक होता है रफ, इसे RER कहते हैं. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. तो जो स्मूथ होता है, इधर की साइड क्या बनता है हमारा, फैट बनता है,
जैसे हम लोग देखते हैं ऑयल है, फैट है, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, चिकनी होती हैं ना, तो स्मूथनेस होती है, इसीलिए इनको स्मूथ कहते हैं। और जो रफ सरफेस होती है, इनमें हमारे यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ये डॉट डॉट लाइक रफ सरफेस बनाने के लिए इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं, इन्हीं की वजह से ये रफ सरफेस होती है। और राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन बनाना, ये प्रोटीन बनाते हैं। और ये जो होते हैं हमारे स्मूथ सरफेस, ये क्या बनाते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये समझ में आ गया, टू टाइप्स के होते हैं, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये हेल्प करते हैं फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को बनाने में, हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन और लिपिड हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को बनाने में कौन हेल्प करता है, हमारा SER हेल्प करता है, ठीक है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये प्रोसेस हमारी कहलाती है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन को बनाने की जो प्रोसेस होती है वही कहलाती है हमारी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे RER की, बात करेंगे क्लस्टर RER की बात करेंगे हम। RER क्या होता है, हमने अभी आपको बताया, RER हमारा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, इतना समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर इसके नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बता दीजिए, मैं डाल दूंगी, ठीक है, कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसके PDF बना के आपको दे दूंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की RER की। ये क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, RER की बात करते हैं। मैंने जैसे बताया कि RER में क्या पाए जाते हैं, हमारे डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी सरफेस कैसी होती है, रफ होती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, जो रफ सरफेस बनाते हैं ये कहलाते हैं राइबोसोम्स, क्या कहलाते हैं, राइबोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है। इट हैज पार्टिकल्स, इनमें एक पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो मैंने अभी बताया, राइबोसोम्स, ठीक है, अटैच होते हैं हमारे राइबोसोम्स इनकी सरफेस से, टू इट्स सरफेस, इनकी सरफेस से लगे हुए होते हैं, ठीक है। बिल्कुल जैसे आप वो कांटे वाली स्लीपर देखी होगी ना, तो जैसे ये हमारी स्लीपर होती है तो उसकी सरफेस में ये कांटे निकले होते हैं ना, वैसे ही इसकी सरफेस में उभरे हुए होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है, उभरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से रफनेस होती है इनमें, विच आर प्रेजेंट ये कहाँ पाए जाते हैं, टू इट्स सरफेस इनकी सरफेस में, जो RER हैं उनकी सरफेस में पाए जाते हैं, विच आर प्रेजेंट इन ऑल, कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी एक्टिव सेल्स में पाए जाते हैं, ऑल एक्टिव सेल्स, ये सारी सेल्स में पाए जाते हैं, ऐसा कोई सेल नहीं है, एक तो सेल हमारे सारे ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, चाहे हमारा हैंड हो, चाहे लेग्स हो, चाहे स्टमक हो, चाहे हमारी नेक हो, फेस है, हेड है, सब जगह सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो सेल्स जो पाई जाती हैं उन सब में, जो एक्टिव सेल्स होती हैं उन सब की सरफेस में ये प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स, ठीक है। उसके बाद इसका मेन पॉइंट है, इट इज द मैन्युफैक्चरर
ऑफ, ये किसका मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन बनाता है एंड सेंट इट, और कहाँ भेज देता है ये इसको, सेंट टू वेरियस प्लेसेस, कई अलग अलग जगहों में भेज देता है जहां पे इसकी नीड होती है, ठीक है, कहाँ कहाँ भेज देता है, जहां जहां पे इसकी नीड होती है वहां वहां पे ये प्रोटीन बना के भेज देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोल्जी एपरेटस की, इतना हो गया, ये हमने बता दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा इंटरनल स्केलेटन होता है सेल का, सपोर्टर होता है, ये पिलर लाइक होते हैं, जैसे हमारे घरों में पिलर्स होते हैं वैसे ही ये काम करता है, पिलर की तरह सपोर्ट देता है हमारी सेल्स को स्टैंड होने में। ये टू टाइप्स के होते हैं, SER एंड RER, स्मूथ रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो SER होते हैं ये हेल्प करते हैं फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करने में, इसी तरह जो इसमें हमारी प्रोटीन और लिपिड्स होती हैं ये हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करती हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब हम इसके सेकेंड टाइप की बात करते हैं RER की, RER का मतलब हो गया जिसमें राइबोसोम्स पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इसकी सरफेस में उभरे हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से इसकी सरफेस रफ होती है। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना और अलग अलग सेल्स में भेजना, ठीक है। ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन टेक इट, ओके। अब हम इसके बाद बात करेंगे गोल्जी बॉडी की, गोल्जी बॉडी की बात करें तो गोल्जी बॉडी के डिस्कवरर कौन है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ा हुआ है, ठीक है, बताइए किसी को नहीं पता है। तो ये जो गोल्जी अपरेटस है इसको बनाया है कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है, जिन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया है, गोल्जी बॉडी पड़ गया है, ठीक है। तो हमारे दो और ऑर्गेनल्स हो गए, कौन कौन से हो गए, ऑर्गेनल्स क्या होते हैं पता है, जैसे हमारे ये ऑर्गन्स होते हैं ना वैसे ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा गोल्जी अपरेटस हो गया, अभी हमने पढ़ा ER पढ़ा हमने, ठीक है, उसके पहले हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, ये सब हमारी सेल के क्या हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे गोल्जी अपरेटस की, गोल्जी अपरेटस की बात करें तो जो गोल्जी अपरेटस होता है इसको डिस्कवर किसने किया है, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया है, गोल्जी अपरेटस। इसका मेन फंक्शन क्या होता है गोल्जी अपरेटस का, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाना, ठीक है, मान लीजिए कोई एथलीट है, ठीक है, वो दौड़ता है, मैराथन दौड़ रहा है, उसको सबसे ज्यादा एनर्जी की नीड कहाँ होगी, उसके पैरों में होगी, लेग में होगी, तो उसको एनर्जी सबसे ज़्यादा वहीं चाहिए, तो वो कितनी एनर्जी उसकी सेल्स बनाएंगी, एक लिमिट ही भर तो ना ये जितनी बना सकते होंगे, उसके बाद जब उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके हाथ और बाकी ऑर्गन्स जो एनर्जी बनाएंगे वो सारी एनर्जी कहाँ सेंड कर देंगे, उस लेग को, क्यों, क्योंकि लेग उस वक्त सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, तो जब लेग काम कर रहा है तो लेग को सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो जब लेग को सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी, हमारे पैरों में जाएगी, तो पैरों को एनर्जी हमारी बॉडी के और बाकी ऑर्गन से जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, जिस ऑर्गन को जितनी ज़्यादा प्रोटीन एनर्जी वाटर जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो सब कौन पहुँचाएगा, हमारा गोल्जी अपरेटस पहुँचाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन का काम दिया गया है। ये क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मैं एक बार एक एग्जांपल भी दे देती हूँ, इट ट्रांसपोर्ट
It transports the protein, energy. ये क्या देता है? प्रोटीन दे दी इसने, एनर्जी दे दी और क्या देता है ये? नीडी ऑर्गेनल्स जो होते हैं, नीडी ऑर्गेनल्स, इट ट्रांसपोर्ट्स द प्रोटीन, एनर्जी और नीडी ऑर्गेनल्स टू गिव नीड थिंग्स. मतलब जिन ऑर्गेनल्स को जो चीज की जरूरत होती है ये उनको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाता है. ठीक है, जैसे जहाँ कम प्रोटीन है वहाँ प्रोटीन को पहुँचाना, जहाँ एनर्जी कम है वहाँ एनर्जी को पहुँचाना. तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स तक ये पहुँचाने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनल कहते हैं. ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. इसके साथ साथ इसका काम और क्या होता है? इट्स फंक्शन टू स्टोरेज. ये क्या करता है? स्टोरेज का भी काम करता है. इट्स फंक्शन टू इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई का भी काम करता है ये. ठीक है, चीजों को अपग्रेड करने का. पैकेजिंग का काम करता है. ओके, पैकेजिंग के अलावा और क्या काम करता है? ये मॉडिफिकेशन का बताया आपको. इट्स फंक्शन टू इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग. पैकेजिंग का काम कैसे करता है? जो भी एनर्जी बची उसको एक जगह रोक लेता है. ऑफ प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स इसमें पैक हुए बचे कहाँ पे रख देता है? ये रिसाइकल्स में. ठीक है, तो इसका काम हो गया स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैकेजिंग करना प्रोडक्ट्स का. कहाँ पे? रिसाइकल्स में. ठीक है, अब हम ये हो गया गॉल्जी अपरेटस. इसका काम बस इतना ही है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. ठीक है, सो क्लास, इफ एनी डाउट यू विल सेंड द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल टेल यू द आंसर. ओके, सो टेक केयर एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगेन एंड अगेन. थैंक यू.